यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित बौद्ध संस्थान में आज भगवान बुद्ध की जीवन पर आधारित दो पुस्तकों का विमोचन किया गया और पहली पुस्तक गौतम चरित, दूसरी राष्ट्रनायक गौतम बुद्ध रखा गया है। इन दोनों पुस्तकों के लेखक अलग अलग थे जिन्होंने अपने विचारों के आधार पर इस पुस्तक का लेखन किया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने इन पुस्तकों का विमोचन किया और इस मौके पर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व बौद्ध गुरु भी मौजूद रहे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बारे में हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान ने यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कई सवालों पर बातचीत की। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, गौतम की जीवन पर आधारित दोनों पुस्तकें बहुत ही सफल होंगी और आज की आधुनिक युग में बहुत ही आवश्यक है, बहुत अच्छा सराहनीय पुस्तक है। सर, अब उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के आधार पर अब जो हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा, क्या लाभ होंगे? सबका यूनिक आईडी बनाएंगे जिससे सबका हेल्थ रिकॉर्ड रह सके। 28 मई को सर नए संसद भवन की प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। बधाई, शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे जो एक लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की यूनिक आईडी बनाई जाए जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और 28 मई को जो नए संसद भवन की उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मिंद्रेन सिंह, एएनवी न्यूज़ लखनऊ।